हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर में। सबको वेरी गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। एक बार वीडियो को लिंक आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रिक है, संधि पहचाने का जो नियम है, उसको बताया जाएगा। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर संधि में आने की उम्मीद है। 20 प्रश्नों में से 4 से 5 नंबर संधि से संबंधित रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। संधि कैसे पहचानी जाती है, कि इसमें कौन सी संधि है, वही आपको जो मुख्य मुख्य नियम है वो आपको बताया जाएगा। जो ट्रिक है वो बताया जाएगा। जल्दी से आप देख के 1 मिनट में संधि बता सके कि किसमें कौन सी संधि है। सबको वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। संधि पहचानने का ट्रिक आपको बताया जाएगा कि हाँ, कैसे कैसे संधि पहचानी जाती है, क्योंकि समय कम है, पूरे एक्सप्लेन के साथ नहीं बताया जा सकता। तो जो मुख्य मुख्य नियम है, मुख्य ट्रिक है, वो आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप देखते ही संधि पहचान जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई परेशानी रहती है संधि पहचानने में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। संधि आपको पता होगा, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कहते हैं किसे, ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। इसकी परिभाषा हो जाएगी संधि की, कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, या फिर तीसरा शब्द जो बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अब देख लेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि में, जब स्वर संधि की पहले परिभाषा देख लेंगे, स्वर संधि की परिभाषा देख लेंगे पहले। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब दो स्वरों का मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर कहते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो देख लेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये संधि स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयादि। ये 5 प्रकार है किसके? तो स्वर संधि के। यहीं से आपके मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं, स्वर संधि से ही। आपके जो एग्जाम में मुख्य प्रश्न बनेंगे वह स्वर संधि से ही बनेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का। कौन कौन? तो गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार है स्वर संधि के। चलिए अब देख लेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अब एक एक करके जल्दी जल्दी संधियों को देख लेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, पहचानेंगे उसको कैसे। तो दीर्घ संधि पहचानने का आपको ट्रिक बताया जाएगा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे तो समय कम है आपके पास। मुश्किल से और 15 दिन है, तो 15 दिन में आपका सारा चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नियम है आपको वो भी बताया जाएगा, और इसके बाद से आपके जो एग्जाम्पल बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको एक दिन क्लास कराई जाएगी। तो 10 चैप्टर है। अगर एक चैप्टर एक एक दिन कराएं और उससे संबंधित अगर प्रश्न कराएं तो कम से कम 20 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास 10 दिन का समय है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहचानने का ट्रिक क्या है? तो दीर्घ संधि शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है, वहाँ दीर्घ संधि होता है। जब कोई शब्द, देखिए यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया नीचे, गिरीश, शब्दों के बीच में बोला है, तो शब्दों के बीच में देखिए यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है, आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। जब एक मिनट, हाँ चलिए, जब शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों अक्षर आए, तीनों वर्ण अगर आए किसी भी शब्द के, तो वहाँ पे आप खट से मारेंगे कि हाँ, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। कौन कौन सी? तो आ,
बड़ी ई और बड़ा ऊ आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। गिरीश देखिए बड़ी ई आ रहा है, देवानंद में देखिए वा आ रहा है मतलब आ की मात्रा, भानुदय में देखिए बड़ा ऊ आ रहा है, धर्मार्थ में देखिए आ रहा है, स्वार्थी में देखिए आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। उसका एग्जाम्पल तमाम दिया है आपको, PDF अभी शेयर कर दीजिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? तो शब्दों के बीचों बीच में ए ओ और आधा र आता है। कौन कौन सा? तो ए ओ, ए ओ और आधा र आता है, वहाँ पे कौन सा संधि होगा? तो गुण संधि होगा। अगर बीच शब्दों के बीच में क्या आए? ए आए, ओ आए और आधा र आए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। जैसे एग्जांपल आप लोग देख लिए, सुरेंद्र देखिए ए आ रहा है, सहोदर देखिए ओ आ रहा है, देवर्षि देखिए देव प्लस ऋषि इसका होता है, तो यहाँ पे आधा र और सी। तो देख लीजिए देव के बाद आधा र आ रहा है, तो आपका एग्जाम्पल सब ट्रिक पे दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो शब्दों के बीचों बीच में ए ओ अथवा आधा र आता है, वहाँ पे गुण संधि होता है। एग्जाम्पल देखिए सोमेश ए आ रहा है, कमलेश में ए आ रहा है, रमेंद्र में ए, महेंद्र में ए, उमेश में ए, राकेश में ए, विरोचित में ओ, परोपकार में ओ, जलोर में र, महोदय महोत्सव देवर्षि। इस सब में जो आपको नियम तीन बताया गया था कि शब्दों के बीच बीच में ए अथवा ओ अथवा आधा र आए, वहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला संधि देख लेते हैं। यण संधि किसे कहेंगे? तो यण संधि की परिभाषा देख लें, ट्रिक देख लेंगे, कैसे पहचानेंगे आप लोग कि यण संधि है। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। ट्रिक देख लेंगे, ट्रिक कैसे? तो शब्दों के बीचों बीच में य अथवा व से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच में त्र आए, तो वहाँ पे यण संधि होगा। देखिए य अथवा व के बाद आधा वर्ण कोई भी आता है तो वहाँ पे यण संधि होगा, और त्र भी आता है अगर शब्दों के बीचों बीच में तो भी वहाँ पे यण संधि होगा। यण संधि कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो बीचों बीच में शब्दों के बीचों बीच में या फिर व से पहले आधा वर्ण आए तो वहाँ पे यण संधि होगा, या फिर शब्दों के बीचों बीच में त्र आए तो वहाँ पे यण संधि होगा। चलिए अगला एग्जांपल उसका देख लेते हैं। अत्याचार, अत्याचार का देख लीजिए य के बाद, य के पहले आधा त्र आ रहा है, अव्यय में देख लीजिए य के पहले, अभ्यास में देख लीजिए य के पहले आधा भ आ रहा है, तो या फिर व के पहले कोई भी आधा वर्ण आए वहाँ पे यण संधि होगा, या फिर शब्दों के बीचों बीच में त्र आए तो वहाँ पे यण संधि होगा। यण संधि की ये परिभाषा है, ये नियम है, ऐसे ही यण संधि को पहचानेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। वृद्धि संधि किसे कहेंगे? तो वृद्धि संधि में याद रखिएगा दीर्घ में कौन सा होता है? तो बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है और आ होता है, और वृद्धि संधि में आपको देखने को मिलेगा औ और ऐ की मात्रा होती है, औ की मात्रा ऐसे और ऐ की मात्रा ऐसे। तो शब्दों के बीच बीच में अगर ये दोनों मात्राएं आती है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगा। शब्दों के बीचों बीच में ऐ अथवा औ की मात्रा आती है तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। शब्दों के बीचों बीच में औ अथवा ऐ की मात्रा आती है वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से, सदैव देखिए ऐ आ रहा है, महौषधि ओ आ रहा है, एकाएक लोकाएक लोकैसड़ा मतैक धनेश्वर, ये सब में कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि होगी। आप लोग एक मिनट में पहचान जाएंगे उम्मीद करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। चलिए अयाद संधि सबसे आसान संधि है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं और बनते हैं एक ही प्रश्न, जो एग्जाम्पल अभी आपको दिखाया जा रहा है वही प्रश्न आपको एग्जाम्पल में सेम देखने को मिलेगा। ट्रिक देख लीजिए कैसे पहचानेंगे अयाद संधि के, तो शब्दों के बीचों बीच में य अथवा व आता है। अभी आपने यण संधि में पढ़ा था य अथवा व के पहले आधा वर्ण कोई भी आता है, लेकिन इसमें आधा वर्ण नहीं आएगा, बस य अथवा व आएगा। तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो अयाद संधि। अयाद संधि में क्या आएगा शब्दों के बीचों बीच में? तो य अथवा व आएगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। देख लिए एग्जांपल इसका, नयन य आ रहा है पवन, नयन शयन गायक गायक नायक पावन, इस सब में देखिए य और व आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो अयादि संधि होगी। उम्मीद करते हैं अयाद संधि दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं विसर्ग संधि, जल्दी से देख लेंगे विसर्ग संधि, फिर इसके बाद से कल आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे सकते हैं संधियों से संबंधित, संधि विच्छेद करके बताया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, पहचानने की ट्रिक आपको बताई गई, उसके आधार पर आप लोग ट्रिक भी पहचान करके बताएंगे ट्रिक से कि किसमें कौन सी संधि है, क्या उसका संधि विच्छेद होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती तो आप लोग बताइए, एक क्लास और संधि से संबंधित करा दी जाएगी। चलिए विसर्ग संधि देखते हैं, स्वर संधि में कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आगे देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की ट्रिक क्या है, तो विसर्ग में आधा तालव्य स, षटकोण वाला स, सड़क वाला स और र में बदलता है। विसर्ग अगर किसी शब्द में आता है तो संधि विच्छेद करेंगे, तो ये तीनों में बदलेगा, या फिर शब्दों के बीचों बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आधा तालव्य स, आधा षटकोण वाला स, सड़क वाला स और र देखने को मिलेगा। शब्दों के बीचों बीच में ये चारों वर्ण अगर देखने को मिले इसी फॉर्मेट में, आधा स, आधा ये षटकोण वाला स, सड़क वाला स, आधा और र मिलता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग संधि होगी। जैसे एग्जांपल एक और इसका नियम है महत्वपूर्ण, कभी कभी ए और ओ देखने को भी मिलता है, कभी कभी ए और ओ देखने को मिलता है विसर्ग संधि में, तो उसको भी आप लोग देख लिए, अभी आपको एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे निश्चल आधा देखिए तालव्य स मिल रहा है, दस दुस्तर इसमें आधा सड़क वाला स, निर्भय में आधा र, देखिए मन योग इसका मन योग का देखिए ओ देखने को मिल रहा है, निरोग में ओ देखिए मिल रहा है देखने को, तो आप लोग ये विसर्ग संधि की नियम देख लेंगे, बहुत मुश्किल से यही नियम है। अगर आधा स, तीनों स में से कोई भी आधा स अथवा आधा र मिलता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगा, कभी कभी ए ओ देखने को मिलेगा तो वहाँ भी विसर्ग संधि होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि अभी आपने ऊपर देखा था कि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं, लेकिन व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि दो वर्णों के में जब संधि होती है तो उनमें से पहला व्यंजन, यदि पहला शब्द व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, वहाँ पे व्यंजन संधि होगा। यानी क्या कह रहा है, जब व्यंजन संधि होगा तो उसमें कन्फर्म है कि पहला शब्द या फिर पहला वर्ण व्यंजन होगा, पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है, तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगा। और स्वर में क्या था, तो स्वर के साथ स्वर का मिलन होता था तब स्वर संधि होती थी, लेकिन व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। चलिए ट्रिक एक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है, तो वाक्यों के बीचों बीच में चच जज टट नन अथवा ल लाए वहाँ पे व्यंजन संधि होगा आपका। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कोई भी शब्द होता है उसमें बीच में चच आता है, जज आता है, टट नन या लल आता है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगा। और संधि करते समय आपको इन दोनों शब्दों को त में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए आगे एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे सज्जन, सज्जन इसका अगर करेंगे संधि विच्छेद करेंगे सत प्लस जन, सज्जन का हो जाएगा, देखिए सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। उज्ज्वल उत देखिए आधा ज ज है, अभी ऊपर आपको बताएगा कि आधा ज ज मिलेगा चाहे आधा च च मिलेगा, तत् मिलेगा, लल मिलेगा, यहाँ पे देखिए नन मिलेगा, यहाँ पे भी नन है, बीच में देखिए आधा न फिर पूरा न, आधा ल फिर पूरा ल, आधा च फिर पूरा च, आधा ज और पूरा ज, ये शब्दों के बीचों बीच में मिले तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो आपकी व्यंजन संधि होगी। नियम अभी आपने देखा था, यहाँ पर ट्रिक देखा था कि शब्दों के बीचों बीच में ये आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी, और अगर ये दोनों आए तो संधि विच्छेद जब करेंगे शब्दों को तो इसको आधा पूरा त में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लिए, सत सज्जन का देख लिए, सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। चलिए अगला देख लीजिए, ट्रिक क्या है इसका दूसरा, एक का तीन और पंचम नियम, ये महत्वपूर्ण नियम है।
यदि किसी वर्ण का परिवर्तन तीसरे और पांचवें वर्ण में होता है, अर्थात देख लीजिए कोई वर्ण अगर आता है लेकिन जगत दीश वागीश दिग्गज दिग्भ्रम, तो इसका परिवर्तन पहले और पांचवें वर्ण में होता है। जैसे जगत दो है यहाँ पे, तो इसको देख लेंगे, इसका जगत देखिए तीसरा है तो उसका प्रथम में बदल रहा है, दो है वो तो में बदल रहा है और ईस हो जा रहा है ऐसे जगत ईस। वागीस का देखिए वाक यहाँ पे ग तीसरा अक्षर है, यहाँ पे देखिए तीसरा वाक हो जाएगा, यहाँ पे वाक ईस वाग ईस। तो ये नियम नंबर दो है। चलिए नियम नंबर तीन देख लेते हैं। अगर बीचों शब्दों के बीच में आधा त तो आए तो द में बदल जाता है, अगर केवल आधा त तो आता है तो वो द में बदल जाता है। जैसे उत्थान उत्सव सत्कर्म उत्तम तत्पुरुष, ये अगर आधा त तो आता है तो उसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये द में बदल जाएगा। चलिए अगला देख ले ट्रिक नंबर फोर क्या है व्यंजन संधि का। यदि किसी शब्दों में अंग की बिंदी आए, मतलब अंग ये वाला अंग आए, एक मिनट हाँ अंग आए तो वो आधा म में बदल जाता है। अंग अगर आता है बीचों बीच में संवाद तो ये आधा म में बदल जाएगा। जैसे इसका संवाद का संधि विच्छेद करेंगे सम प्लस वाद संवाद हो जाएगा, संक्षेप सम प्लस छेप चंचल, चम प्लस चल चंचल। ट्रिक नंबर फाइव देख लेते हैं। अगर किसी शब्द में आधा षटकोण वाला स और ठ आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो अस्त हो जाता है। युधिष्ठिर देख लीजिए युद्ध प्लस स्थिर, निष्ठुर का देख लीजिए वैसे ही अब आपका संधि विच्छेद होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, फिर उसके बाद से संधि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण था वो आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। 8299549761 पे आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। 8299549761 इस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं संधि से संबंधित। तो अगर कुछ भी परेशानी आती है तो आपको PDF ग्रुप में अभी शेयर कर दिया जाएगा। ज़रूर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें टारगेट विथ अजय सर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कल आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कल आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ समझा दिया जाएगा विकल्प और उसका आंसर, तो वहाँ से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो सकती है। समय कम है इसके वजह से आप लोगों को मतलब पूरा एक्सप्लेन के साथ नहीं बताएगा, ट्रिक बताएगा, संधि पहचानने का नियम बताया गया। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।